तो दोस्तों यहाँ पे विंडोज 11 का लास्ट और फाइनल अपडेट आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर 10 से पहले कभी भी यहाँ पे रिलीज हो सकता है। अब ये फाइनल होगा अपडेट, इसके बाद कोई भी विंडोज 11 का नया अपडेट नहीं आने वाला है, क्योंकि अब ये विंडोज 12 को लेकर लॉन्च करने वाले हैं बाय द नेक्स्ट ईयर। अब उसका डेट वगैरह डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इस फाइनल अपडेट में आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या वो नए अपडेट हैं जो आपको इस विंडोज 11 अपडेट में मिलेंगे, और कैसे इस अपडेट को आप रिलीज होने से पहले एंजॉय कर सकते हैं अपने विंडोज 11 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेंजेस जो है फीचर में, यहाँ पे अब आपको मिलेगा डायनेमिक लाइटिंग वाला। तो अगर आप सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक डायनेमिक लाइटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से आप अपनी RGB और किसी तरह के पेरिफेरल वगैरह के डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से लाइटिंग वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट हो गया, बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे, आप एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह, तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अब आपको कोई सेकेंड थर्ड पार्टी टूल यहाँ पर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर इसी सेटिंग्स में हम बात करें तो अब आपको एक नया होम पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब भी अब आप सेटिंग ओपन करेंगे, होम बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक होम पेज, प्रॉपर होम पेज आएगा, जिसमें बहुत सारे नेविगेशन, बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लाइक पर्सनलाइजेशन वाला, आप यहीं से पर्सनलाइज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको ब्लूटूथ वाला ऑप्शन, और इसके अलावा भी क्विक सेटिंग, बहुत सारी चीज़ें अब आपको एक ही यहाँ पे होम पेज में देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहीं से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव भी देखने को लग रहा है। अब गाइस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे ये भी बताइएगा कि सबसे अच्छा फीचर आपको यहाँ पे कौन सा लगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा, वो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज़र्स के लिए। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज़ करते हैं या AI टूल वगैरह यूज़ करते हैं, तो अब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको यहाँ पे AI हब वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे आप स्टोर ओपन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐप गेम वगैरह का जो ऑप्शन मिलता था, अब उसी के नीचे एक नया सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा AI हब का। तो यहाँ से आप डिफरेंट जो AI हैं उनको यहाँ पे आप ब्राउज कर पाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इनको यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉल करा पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जो गाइस है वो है पेंट को लेके, जो कि बहुत ही डिमांडिंग था। बहुत सारे लोगों ने, विंडोज 11 यूजर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि इन्हें यहाँ पे पेंट में भी डार्क मोड का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो अगर आप भी पेंट वगैरह यूज़ करते हैं अपने विंडोज 11 में, तो अब आपको यहाँ पे डार्क मोड का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप अगर राइट एंड टॉप में सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको लाइट मोड, डार्क मोड और सिस्टम सेटिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चेंजेस यहाँ पे है वो है फाइल एक्सप्लोरर को लेकर। तो फाइल एक्सप्लोरर में अभी तक आपने यहाँ पे न्यू टैब वाला तो ऑप्शन देखा ही होगा, अब यहाँ पे आपको एक गैलरी वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में। तो अब इस गैलरी पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल के फोटोज़ को सिंक करा के एक्सेस कर पाएंगे, प्लस जो भी आपकी वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं, उनको भी आप इसी गैलरी में मैनेज कर पाएंगे, देख पाएंगे। बहुत सिमिलर है आपके फ़ोन की तरह, तो एक अच्छा एक यूज़फुल फीचर है जो आपको अब देखने को मिलेगा विंडोज 11 के 2.3.2 में न्यू अपडेट में। अब नेक्स्ट जो फीचर है गाइज, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए विंडोज 11 को ही यहाँ पे कोई फीचर देना चाहिए, तो वो फीचर अब इस अपडेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप किसी भी zip फाइल को यहाँ पे अगर डाउनलोड करते हैं तो सिंपली उस पर राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल कराइए, कोई भी आपको यहाँ पे विनरार, किसी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप विंडोज 11 के टूल के साथ यहाँ पे किसी भी zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करिए और उसको यहाँ पे इंस्टॉल कराइए। नेक्स्ट अमेजिंग फीचर मिलेगा आपको यहाँ पे विंडोज़ बैकअप को लेके। तो विंडोज़ बैकअप में इन्होंने काफ़ी मॉडिफिकेशन किया है, हालांकि ये विंडोज़ बैकअप यहाँ पे सिंक होगा आपके वन ड्राइव के साथ, लेकिन अब आपको ये एक फीचर देगा कि आप अपने डेटा बैकअप के साथ साथ यहाँ पे अपनी सेटिंग्स को, अपनी पर्सनलाइजेशन को, जो भी चेंजेस आपने विंडोज 11 में किए हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका डेटा ही नहीं बैकअप होगा, आपके जो भी सेटिंग्स वगैरह आपने कर रखी थी, आपने जो पर्सनलाइजेशन कर रखा था, वो भी यहाँ पे बैकअप होगा, लेकिन वो सारा बैकअप होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में। लेकिन फिर भी एक आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, आराम से अगर आप चाहते हैं कि मुझे सारी चीज़ें बैकअप करनी है, तो इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब इसके अलावा भी गाइस यहाँ पे बहुत सारे अदर फीचर भी ऐड हुए हैं विंडोज 11 के नए अपडेट में। लाइक आप जो है डेट एंड टाइम में सेकंड को शो करा सकते हैं, नीचे आपके टास्क मार में जो मल्टीपल यहाँ पे आपके टास्क रन हो रहे होते हैं, जो कंबाइंड हो जाते हैं, अगर आप इसको अब आप चाहें तो आप इसको अलग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं,
तो बहुत डिटेल में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। तो जो मेजर और बड़े अपडेट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब बात करें अगर आपको इसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है विंडोज़ 11 2.3H2 में, तो उसके लिए यहाँ पे आप विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, अपने विंडोज़ 11 के अपडेट को यहाँ पे ओपन करिएगा और एडवांस्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम मिलेगा। अब इसको आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है अपनी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप वगैरह कर देंगे, फाइनली आपको फिर यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा और सारे अपडेट आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो अपडेट करने के बाद आप इंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा अपडेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल और अच्छा लगा आपको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।